नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल रंगीलो झुंझुनू। जैसा कि इस कोरोना के दौरान और मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा किसी की समस्या आई है तो वो उन लोगों की आई है जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उसके बाद उनका शाम का भोजन का प्रबंध हो पाता है। और ऐसा ही कुछ हाल आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप खुद उनसे जब सुनोगे उनके मुँह से तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनकी ये ज़िंदगी कट रही होगी। हम झुंझुनू के रिको एरिया में हैं जहाँ एक कच्ची बस्ती कई वर्षों से यहाँ बसी हुई है। यहाँ जो हमारे साथ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या काम करो थे? साहब मजदूरी। मजदूरी हाँ। तो अभी काम मिल रहा है? कोई साहब काम नहीं है। अब कोई दुकान पर उधार कोई टाइम पास करा, आधी किलो किलो ले लिया कर आया टाइम पास करा साहब। मजदूरी में तो जै जो भी निर्माण कार्य और ही आंकले तो जगह मजदूरी करने जा सके हैं, आके तो रोक टोक तो अभी को नहीं साहब, कोई बुलाओ ही को नहीं। तो ये लॉकडाउन में कोई बुला रहा ही को नहीं। यह भी है कि छूट तो है लेकिन कोई काम कर रहे ही को नहीं, ना बुलाओ को कौन। तो जब फिर अब के हिसाब कर चल रहे है? अब के हिसाब से चल रहे है? उधार दुकान वाला ने बुझो 1000-1000 रुपया उधार चढ़ रही। एक किलो आटो ले आवा, आधी आधी रोटी तोड़ तोड़ बच्चा ने देवा, एक टाइम में तो आधी आधी खवा के एक टाइम एक दो रोटी मिला सुबह के एक टाइम। तो कोई सरकारी सुविधा के हिसाब कोई खाने को प्रबंध कहे को कौन पूछे? कोई खाना नहीं पहुंच रहे यहाँ, गरीबों को पूछ रहे नहीं है यहाँ। आप कोई मजदूरी जाते हैं तो वो भी बंद होगी, आपको खाना नहीं मिल रहा, कोई भी भूखे। अब आज की पूरी बस्ती है ठे कितना लोग हैं लगभग? 200-250 पांच आदमियों का भी एवरेज माने तो ज्यादा भी नहीं, तो 1000 के लगभग आदमी यहाँ है, बच्चे सारे मिला के। अच्छा, तो ये आपकी तो ये जो है इसके तो ऊपर का जो टेंट वगैरह था वो भी उखड़ा हुआ दिख रहा है। अच्छा, रात को जो तूफान का जो असर था तो उससे उड़ गया। तो ये तो आपकी रहने की भी अब समस्या होगी, मुश्किल है। तो अब रात ना गड़ा पड़ता तो मैं तो मर जाते। ये देखने वाली बात है कि गरीब तबके के लोगों पे दोरी मार है। एक तो वैसे ही कोरोना काल वो अपनी मजदूरी करके भी अपने भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे, और कल रात को जो तूफान आया था उसका इफेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो भी अस्थायी तरीके से एक झोंपड़ी टाइप बना के यहाँ लोग रहते हैं उनमें से कईयों के जो टेंट हैं वो उखड़ गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उखड़ा हुआ सारा है, और इस झोंपड़ी जैसी बना रखा था उसमें इनका जो सारा सामान है वो खुला पड़ा है। अगर अब दोबारा वैसी तेज आंधी या बरसात आ जाए तो ये तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान इनको झेलना पड़ेगा। अभी जो प्रबंध तारकन खाने को या अभी को तो सरकार की तरफ कुछ हो रही हो को नहीं, लेकिन नहीं और कोई चीजें की व्यवस्था कुछ ही नहीं आया, खड़ा खड़ा कुछ ही नहीं आ रहा। देखा हम कोई आज खाना देते तो हम खा लिया, भूख बहुत बढ़ते हैं। तो जब दुकान वाला उधार देना बंद कर देगा फिर क्या करो? फिर मर जाऊंगा मैं तो, कौन जीवा फिर कर जाऊंगा मैं तो कमाई काम चल रहे को नहीं रे, जाऊं खटे रे के ना बेचे जब हटा काम थे जी बे तो के ना बुला रहा काम नहीं चल रहा साथ। नौराम जाता बच्चा तो कोई नौरो खुला होता तो जाता तो लेता 2 रुपया गरीब की। आप सहायता करो, अब नौरा बंद हो रहा है। अजी सहायता करेगा तो हमारे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। झुंझुनू दानदाताओं की धरती है, और जो भी वीडियो हमारा दर्शक देख रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जगह है रेलवे लाइन जो झुंझुनू की है उसके बिल्कुल पीछे की साइड में, उसके बगल में एक अच्छी बस्ती है रिको क्षेत्र में। तो आप अगर समाज सेवा के रूप में इन लोगों की कुछ मदद कर पाएँ तो आगे आकर आपको ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं वो आप खुद अपनी आँखों से सामने देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करके अपने भोजन का प्रबंध करता था उसको अब मजदूरी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट की तरफ से सरकार ने गाइडलाइन जो जारी की है उसमें कहा गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको छूट रहेगी, वो कोरोना में इधर से उधर आ जा सकते हैं, वो अपनी मजदूरी के लिए जा सकते हैं। लेकिन समस्या इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि आप मजदूर आ जा तो सकता है लेकिन निर्माण कार्य चलते रहेंगे तभी तो उनको मजदूरी मिलेगी। तो इनका साफ कहना यह है कि ठीक है, जाने में तो कोई नहीं
रोक रहा, लेकिन जाए कहाँ, कोई काम दे ही नहीं रहा। तो ये भी मजदूरी है और मजबूरी है। और दूसरी चीज़ एक खास ये है कि जो स्वावलंबी लोग हैं, ये मेहनत करके काम करके और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन लोगों के लिए कोरोना के इस काल में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो इस वजह